गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः ए फेलो ट्रेवलर के अगले पैराग्राफ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखेंगे अभी तक इस कहानी के अंतर्गत यह बताया गया, आपने देखा कि लेखक ने मच्छर के सेंटेंस को, या कह दें मच्छर की सज़ा को माफ़ कर दिया और माफ़ करके पुनः अपनी सीट पर आकर बैठ गया। आगे देखेंगे, आई टुक अप माई पेपर, आई मैंने टुक अप उठा लिया माई पेपर अपना अखबार, एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, और वह आया और इस पर बैठ गया। मैंने पुनः अपना अखबार उठाया, मैं बैठ के पढ़ने लगा, इतने में ही वो आया और इस पर बैठा, अब की अखबार पर बैठा, या कह दें पत्रिका पर बैठा। फुलिस फेलो, मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड, तुमने सौंप दिया है योर सेल्फ, अपने आप को, इंटू माई हैंड्स, कहाँ, मेरे हाथों में। अरे मूर्ख साथी, मूर्ख दोस्त, अब तो तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव, मुझे केवल देना होगा, क्या देना होगा, दिस रिस्पेक्टेबल, इस सम्मानित, वीकली, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन मीन्स कह दें पत्रिका, ठीक है, पत्रिका है कोई। तो लेखक ने कहा, मुझे इस सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को देना होगा, क्या देना होगा, इस मैक एक झटका देना होगा, एक अचानक का जोर देना होगा, ऑन बोथ द कवर्स, कहाँ, दोनों पृष्ठों पर, दोनों के कवर पर, एंड यू आर ए कॉर्पस, और तुम एक सौ, एक डेड बॉडी बन जाओगे। अरे मूर्ख साथी, तुमने तो खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया, अब मुझे अपनी इस पत्रिका के दोनों पृष्ठों को बस एक झटका मात्र देना होगा, और इतने में ही तुम सौ बन जाओगे, और सौ ही नहीं, नीटली, लगभग, सैंडविच, कीमा बन जाओगे, बिटवीन एन आर्टिकल पीस ट्रैप्स, पीस ट्रैप्स नामक आर्टिकल, लेख, एंड एन अदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स, मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स, और पीस ट्रैप्स नामक टाइटल, दो टाइटल्स के बीच में तुम कीमा बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, किसने कहा, सॉरी, किसने कहा, लेखक ने, कि अब तो तुमने अपने आप को डिलीवर्ड कर दिया, अब मुझे अपनी पत्रिका को केवल थोड़ा सा झटका देना होगा, इतने में ही तुम जो है सौ बन जाओगे। और इन दो लेखों के बीच, मतलब जो पत्रिका लिए हुए था उसके एक पृष्ठ पर लिखा था पीस ट्रैप्स, और दूसरे पृष्ठ पर लिखा था द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूक्स, तो इन दो पृष्ठों के बीच में तुम कीमा बन जाओगे, ठीक है। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, आई हैव रिप्रीव्ड, मैंने स्थगित कर दिया है, रोक दिया है, माफ़ कर दिया है यू, तुम्हें, या कह दें तुम्हारी सजा को, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्टि दूंगा, कंफर्म कर दूंगा, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग,
एक चीज़ ये जान लो, कन्फर्म कर लो कि जब यह भारी भरकम जानवर, भारी भरकम एक चीज़ कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, उसका मतलब यह होता है, मतलब जब कोई बात यह भारी भरकम जानवर बोलता है तो उसको वो करता है, फॉलो करता है, ये कन्फर्म कर लो। अब मोर एवर, और इससे भी अधिक, आई डू नॉट, आई है, आई नो लॉन्गर डिजायर, मैं अब इच्छा ही नहीं रखता हूँ टू किल यू, तुम्हें मारने की, मतलब अब मेरी कोई इच्छा है ही नहीं कि मैं तुम्हें मारूं। ठीक, थ्रू नोइंग यू बेटर, तुमको बेहतर जान करके, ठीक है, जैसे एक कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया लेकिन मैं मार नहीं पाया, अब तुम मुझसे बेहतर थे तभी तो मैं तुझको मार नहीं पाया, तो तुमको बेहतर जान करके, तुमको बेहतर समझ करके, आई हैव कम टू फील, मैंने महसूस किया है, तुमको बेहतर समझ करके, तुमको बेहतर जान करके मैंने यह महसूस किया है। क्या क्या महसूस किया है राइटर ने? सैलाई से क्या मैं कहूँ, तुमको बेहतर जान करके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ है, एक चीज़ का अनुभव हुआ है, क्या मैं कहूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन, क्या हुआ है, एक तरह का लगाव हो गया है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खातिर, तुमको बेहतर जान करके मुझे यह एहसास हुआ है कि मुझे तुम्हारे प्रति लगाव हो गया है। आई फैंसी, मुझे लगता है, मैं कल्पना करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस, कि सेंट फ्रांसिस जो ईसाइयों के गुरु थे, संत थे, वुड हैव कॉल्ड, ने कहा होगा, यू लिटिल ब्रदर, तुमको छोटा भाई, इसीलिए कहा होगा, जिस तरह मैंने तुम्हारे प्रति लगाव महसूस किया, प्यार महसूस किया, ठीक इसी प्रकार प्यार और लगाव महसूस किया होगा सेंट फ्रांसिस ने, तब तुमको छोटा भाई कहा होगा। अब जो भी रहा हो, आई कैन नॉट गो सो फार एज, मैं जाना नहीं चाहता हूँ या नहीं जा सकता, इन क्रिश्चियन चैरिटी, क्रिश्चियन की उदारता पर, ईसाई लोगों की उदारता, सहानुभूति के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, एंड सिविलिटी, और उनके सभ्यता के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बट आई रिकग्नाइज, लेकिन मैं पहचान गया हूँ, मैं जान गया हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, क्या एक दूर की नातेदारी, एक दूर की रिश्तेदारी को मैं पहचान गया हूँ। ठीक है, राइटर कह रहा है मच्छर से, या अपने विचारों को उससे शेयर कर रहा है और बता रहा है कि मैं तुम्हें अब मारूंगा नहीं, अब तुम्हारे प्रति मेरा कुछ लगाव बढ़ गया है और तुम्हारे साथ कुछ रिश्तेदारी या नातेदारी है, इस चीज़ को मैं फील कर चुका हूँ, मुझे लगने लगा है। और क्या हुआ है, फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने, किस्मत ने हम लोगों को सहयात्री बना दिया है, जो लक है, बाई चांस ही तो हम लोग मिल गए ट्रेन के डिब्बे में, तो ये किस्मत ही है, लक ही है, जिसने हमें सहयात्री बना दिया है, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में, ये किस्मत ही है
जिसने हमें इस गर्मी की रात में सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा रुचि किया, तुम्हें आनंद दिया, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे आनंदित किया। दोनों लोग एक दूसरे को हंसाए, रोमांचित किए, आनंदित किए। तो द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो एहसान है, जो कृतज्ञता है, इज म्यूचुअल, बराबरी का है, मतलब दोनों लोग बराबर के साझेदार हैं। एंड इट इज फाउंडेड, और यह आधारित है ऑन द फंडामेंटल, इस मौलिक तथ्य पर, इस मूल तथ्य पर, यह बात इस मूल तथ्य पर आधारित है क्या, दैट वी आर फेलो मार्टल्स, कि हम दोनों जो हैं वो दोनों नश्वर हैं, इट मीन्स मर जाने वाले हैं। हम भी मर जाएंगे एक ना एक दिन, और तुम भी मर जाओगे एक ना एक दिन। तो इस तरह से हम दोनों लोगों के साथ एक ही घटना घटित होगी, तो इस तरह से तो हम दोनों लोग साझेदार हैं, रिश्तेदार हैं। और द मिरेकल, जो चमत्कार है, आप लाइफ, जीवन का, इज आवर्स, हमारे, इन कॉमन, मतलब जीवन की जो घटनाएं हैं, जो इसके चमत्कार हैं, जो इसकी हैपनिंग्स हैं, वो कॉमन हैं, सामान्य हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी सामान्य हैं। इट मीन्स ना जिंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ मैं जानता हूँ, और ना ही मुझे उम्मीद है कि तुम जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते होगे। तो इस तरह से जो जिंदगी की घटनाएं हैं, वो चाहे मेरी ज़िंदगी हो और चाहे तुम्हारी ज़िंदगी हो, दोनों की घटनाएं, जीवन की घटनाएं बिल्कुल सेम हैं। आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के विषय में कुछ भी तुम नहीं जानते हो, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम श्योर, और ये भी मैं पक्का जानता हूँ, दैट आई नो मच अबाउट माइन, और यह चीज़ भी मैं श्योर जानता हूँ कि मैं अपने विषय में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, मतलब ना तुम अपने जीवन के विषय में ज़्यादा कुछ जानते हो, ना ही मैं अपने जीवन के विषय में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। जीवन का तात्पर्य भविष्य, आने वाला समय, उसके विषय में ना मैं ज़्यादा कुछ जानता हूँ, ना तुम ज़्यादा कुछ जानते हो। तो वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसे सोचोगे, जब तुम्हें ये लगता है, इसका एहसास करोगे, तब पाओगे, क्या पाओगे, कि वी आर रियली, हम वास्तव में एक गुड डील एलाइक, काफ़ी हद तक समान हैं। हम कौन? द राइटर एंड द मॉस्किटो हु वाज ट्रेवलिंग विद हिम इन द ट्रेन। तो हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, या हम तुम काफ़ी हद तक समान हैं। और कैसे हैं? जस्ट अपरेशंस, क्या हैं? परछाइयों की तरह से हैं, प्रेतात्माओं की तरह से हैं, दैट आर, जो हैं, एंड देन आर नॉट, और तब नहीं हैं। प्रेतात्माओं या कह दे परछाइयों की तरह से हैं, जो कुछ समय के लिए हैं, या कह दें अब हैं और थोड़ी देर बाद नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जो रात के अंधेरे में निकल आती हैं, इन टू द लाइटेड कैरिज,
प्रकाश से भरे हुए डिब्बे में फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प बिजली बत्ती के चारों तरफ फड़फड़ाती हैं। फार ए व्हाइल थोड़ी देर के लिए एंड गोइंग आउट और फिर से वापस चली जाती हैं इनटू द नाइट अगेन रात में दोबारा फिर से उसी अंधेरे में दोबारा चली जाती हैं। इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार मेरी लाइफ है और ठीक उसी प्रकार तेरी भी लाइफ है शायद। तो अब आखिरी पैराग्राफ में देखेंगे, किसी ने कहा, क्या कहा, गोइंग ऑन टू नाइट सर, चलते जाना है श्रीमान जी। महोदय, क्या आज की रात आपको चलते ही जाना है, सेड ए वॉइस, एक आवाज बोली एट द विंडो, खिड़की पर। तो इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक कुली था, जान पहचान का कुली था, गिविंग मी ए हिंट, मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि मेरा स्टेशन यही है, मेरा स्टेशन आ गया। मतलब लेखक यही सब बातें सोचते सोचते अपने स्टेशन के विषय में बिल्कुल भूल गया। तो जब गाड़ी इसके स्टेशन के पास रुकी तो एक पहचान का कुली था, उसने इसे आवाज़ दी कि क्या सर अभी और आगे जाना चाहेंगे। तो आई थैंक हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने उस कुली को धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं ऊँघा रहा था, मुझे नींद लग गई थी शायद, एंड सेजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपनी छड़ी और अपना क्या कहते हैं हैट उठाया, टोपी उठाया, आई वेंट आउट, मैं बाहर निकला, इनटू द कूल समर नाइट, गर्मी के ठंडी रात में मैं बाहर निकला, एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने अपने डिब्बे ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो आई सा, तो मैंने देखा, माई फेलो ट्रेवलर, मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, उसी चिराग के तरफ, उसी बिजली बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था, बिजली के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था। देख लेंगे, पैराग्राफ रिपीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और एक्सप्लेन भी इसके लास्ट के पैराग्राफ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको लिखने का प्रयास करें, करने का प्रयास करें। धन्यवाद।